और गोवा पुलिस जांच कर रही है, बहुत सारे तथ्य और सत्य सामने आ रहे हैं। सत्य सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। हम सब इसके लिए पक्षधर हैं। तुरंत सब लोगों ने, मैंने भी वहाँ की पार्टी अध्यक्ष से बात की और दो तीन बार, और मुख्यमंत्री जी ने भी बात की, और ठीक से ठीक दिशा में हमको लग रहा है कि जांच जा रही है, तथ्य सने सने करके सब बाहर आ रहे हैं। बहुत अच्छी कलाकार थी और पार्टी की जो है नेत्री भी थी। आज हमारे मंत्री और सीनियर लोग वहाँ संस्कार पर भी पहुँचे थे। समस्त पार्टी की तरफ से उनको भावांजलि दी गई है। और जो है एक नुकसान हुआ है जो है कला जगत का भी और पार्टी का। परिवार में सीबीआई जांच की मांग की है, अन्य पार्टी के नेताओं भी सीबीआई जांच। ये निर्णय जो है जिस राज्य में अपराध घटित होता है वहाँ का शासन करता है, तो जो भी गोवा का शासन करेगा, हम परिवार की सारी मांगों के साथ हैं, जो गोवा का शासन तय करेगा। अभी जहाँ तक जानकारी आ रही है जांच अच्छी कर रहे हैं वो, बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें जो फुटेज हैं बाकी सब हैं, पोस्टमार्टम जैसे हुआ है, मेडिकल बोर्ड बैठाकर वीडियो में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसको आप कहें कि हर चीज़ को वो जिस तरह से कर रहे हैं, तो वो तथ्यों को बिल्कुल सामने ला रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। तो ये निर्णय करने का हक वहाँ की सरकार को है, तो निश्चित रूप से जिस बात से परिवार की संतुष्टि होती हो हम उसके साथ हैं। पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनने लगा है और आप भी संगठन के स्तर पर मीटिंग ले रही हैं, तो क्या उम्मीद की जा सकती है कि किस तरह से चुनाव चलेगा, किस तरह से क्या हो? देखिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं चुनाव की घोषणा की। चुनाव की जो ही घोषणा होगी, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क नीचे तक, हम हर जो जिला परिषद का वार्ड है वहाँ तक हमारा एक प्रमुख बना रहे हैं, और हमने अपने विलेज हेड पहले से बनाए हुए हैं। बूथ तक की भी रचना हमारी त्रिदेव की रचना है। उसके अलावा हमने जिला अनुसार सीनियर लीडर्स को काम सौंपा है। सिंबल पर लड़ना या नहीं लड़ना ये फैसला हमारी इलेक्शन कमेटी, बूथ तक की भी रचना हमारी त्रिदेव की रचना है। उसके अलावा हमने जिला अनुसार सीनियर लीडर्स को काम सौंपा है। सिंबल पर लड़ना या नहीं लड़ना ये फैसला हमारी इलेक्शन कमेटी में हम बैठकर करते हैं, जिसकी बैठक हम चुनाव की घोषणा होने के बाद करते हैं, ये हमारी परंपरा है। तो उस समय बैठेंगे सीनियर नेता, सब उस इलेक्शन कमेटी के सदस्य होते हैं, जो राय बनेगी उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है, उनके बड़े नेता गुलाम पार्टी छोड़ने का ऐलान। देखिए, कांग्रेस में जो बहुत सारे नेताओं ने पहले भी कहा था कि नेतृत्व की जिनमें क्षमता होती है उन्हीं के साथ पार्टी चल सकती है, भिन्न भिन्न शब्दों में कांग्रेस को समझाने की बहुत सारे नेताओं ने कोशिश की।